हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल फूड इन चार्ज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन पाए की रेसिपी। मटन पाया सभी लोगों को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन इसे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है गाइस। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल से मटन पाए की रेसिपी लेकर आई हूँ और बिल्कुल नए तरीके से आज मैं आपको मटन पाया बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए हम बनाते हैं मटन पाया। मटन पाया बनाने के लिए हमने चार मटन पाए लिए हैं और इसे अच्छी तरह से साफ कर लिया है। इसे साफ करने की वीडियो मैं आपको नहीं दिखला पाई हूँ गाइस, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। मैं आपको ऊपर ऊपर से ही बतला दे रही हूँ कैसे किस तरह से साफ़ करना है। पानी को पहले गर्म कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और उसके बाद एक एक मटन पाए को डालकर आप इसे साफ़ कर सकते हो। ये बहुत ही इजीली साफ़ हो जाता है, बहुत ही आसान से। और जब ये सभी मटन पाए साफ़ हो जाएं तो एक बार थोड़ा सा गैस बर्नर जलाएं और इसके ऊपर आप इसे रख कर, इसे उलट कर पुलट कर इसके ऊपर जो छोटे छोटे जो रोएं होते हैं उन रोएं को भी आप साफ़ कर लें और इसे साफ़ पानी में अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धो लें। और हमारे मटन पाए साफ़ हो चुके हैं, ये रेडी हैं अब बनने के लिए। तो चलिए अब हम इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ अभी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार करूंगी। सबसे पहले 1 इंच मैंने ले लिया है अदरक का और 1 फोटा मैंने लहसुन का ले लिया है और इसे हम पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे 4 मटन पाए के लिए मैंने 250 ग्राम लिया है प्याज और इसे हम रफली चॉप कर लेंगे। तो हमारे अदरक लहसुन के पेस्ट तैयार हो चुके हैं, प्याज भी कट चुकी है। तो चलिए मैरिनेशन के लिए हम एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 4 चम्मच दही। तो यहाँ पे मैंने दही 1 दिन पुरानी ली है, कोशिश करें कि आप भी दही 1 दिन पुरानी ली। अब हम इसे अच्छी तरह से मैश कर देंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। साथ ही हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच डाला है मैंने, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच हम डालेंगे, हल्दी पाउडर और साथ ही हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे गाइस 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने रेडी करके रखा था, इसे हम डाल देंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा मैरिनेशन के लिए अच्छा सा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है, दही मसाला। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने पाए को साफ़ करके रखा था पाए के ऊपर, हम इसे अच्छी तरह से कोट कर देंगे। ये बिल्कुल नया तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये मटन पाए की रेसिपी है। आप इस बार इस तरह से एक बार मटन पाया ज़रूर से बनाएं और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपसे मटन पाया जो बनी है वो किस तरह की बनी है और आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तो सभी को हमने कोट करके इसे साइड में रख दिया है 10 मिनट्स के लिए, तब तक हम चलते हैं दूसरे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटन पाया बनाने के लिए कुकर चढ़ा दिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है तेल और हमने जो रफली प्याज चॉप करके रखा था प्याज को हम इसमें डाल देंगे और इसे इस तरह का लाल होने तक हम इसे भून लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा लाल नहीं किया है, बस प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और इसमें हल्का सा लालिमा आ चुका है। तो अब इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया है। 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दिया है, 1/2 चम्मच डाल दिया है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच ही डालेंगे हम धनिया पाउडर और साथ ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाले का पाउडर गाइस। तो यहाँ पे गरम मसाले का पाउडर मैंने 1/2 चम्मच से कुछ ज़्यादा डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है 1/2 चम्मच और अब हमें इसमें डालना होगा हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच हमने डाल दिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे हम अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे। हमें मसालों को तब तक भूनना है जब तक हमारे प्याज जो है वो थोड़े और सॉफ्ट ना हो जाए और मसाले से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, तब तक हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच डाल रही हूँ टमाटो प्योरी। आप एक बार इस तरह से मटन पाया ज़रूर से बनाएं, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनकर रेडी होती है। अगर आप इस तरह से मटन पाया बनाएं तो आप बार बार बनाना प्रेफर करेंगे गाइस। मसाले हमारे अच्छी तरह से भुना चुके हैं। अब हमने जो मटन पाए को मैरिनेट होने के लिए रखा था तो ये 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे मटन पाए अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं। तो इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, सभी मटन पायों को मसालों के अंदर इस तरह से रख देंगे और ये देखिए मटन पायों ने पानी भी रिलीज़ किया है। आप इस तरह से मटन पाए बनाएंगे तो आपके मटन पाए
सीजने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, यकीन मानिए गाइस। वैसे तो मटन पाव को सिजाने में काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके मटन पाव जल्दी से सीज जाएंगे। अब हम इसमें एक गिलास पानी भरकर डालेंगे और कुकर की लीड को लगा देंगे। कुकर की लीड को लगाने के बाद 5 से 6 सीटी हम इसमें लगाएंगे हाई फ्लेम पर। और ये देख सकते हो 5 से 6 सीटी लग चुकी है हाई फ्लेम पर। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी मटन पाया बनकर रेडी हो चुकी है। कितना लाजवाब लग रहा है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल जूसी जूसी सा हमारा मटन पाया बनकर रेडी हुआ है गाइस। इस तरह से अगर आप मटन पाया बनाओगे तो आपके मटन पाया भी बिल्कुल इसी तरह के परफेक्ट बनेंगे। तो अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखला दे रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी तरह से सीज चुका है, कोई झंझट नहीं हुई है हमें बनाने में। बहुत ही इजीली हमारे मटन पाए बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए, वाओ, बहुत अच्छे तरीके से ये सीज चुके हैं। तो आप इस तरह से एक बार मटन पाया ज़रूर से बनाएं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं इसे अब प्लेटिंग कर ले रही हूँ। अगर आपको मेरी मटन पाया की ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच किया करें और लाइक और शेयर ज़रूर से किया करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है। आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता है गाइज, लेकिन हमें इस एक लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने की। तो आप लाइक ज़रूर से कर दिया करें। अब हम इसे थोड़े से हरे धनिए और नींबू के साथ गार्निशिंग कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा बिल्कुल टेस्टी सा और बहुत ही मज़ेदार सा मटन पाया बनकर रेडी हो चुका है रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आप इस तरह से मटन पाया ज़रूर से बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं फ्रेंड्स। तो आप करें मटन पाया को एंजॉय और मुझे दे इजाज़त। टेक केयर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के साथ।